पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 44 जवान को धोखे से बम विस्फोट करके शहीद कर दिया गया था, उसी से आहत होकर पूरे देश में जगह जगह लोग पाकिस्तान का पुतला दहन कर आक्रोश जता रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद के विकलांग समाज द्वारा डबल फाटक चौराहे से एक रैली निकालकर शहीदों को याद किया गया, साथ ही पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। और उन्होंने कहा कि हम यह मांग करते हैं कि सरकार उन 44 जवानों का पाकिस्तान से मुंह तोड़ ले और पाकिस्तान की 44,000 सैनिकों को खत्म कर मुहूर्त जवाब दे। विकलांग समाज के अध्यक्ष कासिम मलिक ने कहा कि पाकिस्तान चोर है, ऐसे देश को नक्शे में ही नहीं रखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि सेना को पूरी पावर देकर पाकिस्तान पर आक्रमण करने की हिदायत दें। मोहम्मद कासिम है। कासिम जी, आप ये यात्रा निकाली है, क्या उद्देश्य क्या है इसका? ये उद्देश्य ये है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठियों ने और घुस के हमारे जवानों को शहीद किया है, हम ये चाहते हैं इस सरकार से और कोई भी सरकार हो उसका बदला लेना चाहिए। हम ऐसे शहीदों को सम्मान करते हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा के हम चैन से सोते हैं यहाँ पर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाथों हाथ पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे कोई भी मिनिस्टर हो वो एक्शन जरूर ले, क्योंकि ऐसे जवान बर्बाद हम होते हुए नहीं देखेंगे, अपनी सेना को खोते हुए नहीं देखेंगे। यही मेरा नारा है, यही पूरे देश से विकलांगों से कहना है कि आप लोग भी ऐसी हमारी तरह रैलियाँ निकालें और ऐसी ऐसे ही उद्देश्य ऐसी यात्रा करें। मैं बस जय हिंद कह के बात खत्म।